हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं एक्वेरियम फिल्टर में बायोमीडिया कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं दिखाऊंगा और ये मेरा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने दिखाया था कि बायोमीडिया पावर फिल्टर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर के आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो ये है मेरा RS5000 हैंग ऑन बैक फिल्टर जिस पर मैंने एक अनबॉक्सिंग और असेंबली करते वक्त का वीडियो बनाया है और उस वीडियो की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर के आई बटन पर क्लिक कीजिए और ज़रूर देखना। मैंने आज इसे अलग करके अच्छे से वॉश किया है और अब मैं ये पत्थर इस्तेमाल करूंगा और दिखाऊंगा कि अगर आपके पास भी एक पावर फिल्टर नहीं है तो हैंग ऑन बैक फिल्टर में इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है बचे हुए सीकेम मैट्रिक्स बायोमीडिया जो पहले मैं पानी से धोऊंगा और देखते हैं हमें कितने पत्थर लगते हैं। मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी धुंधला हो गया है, तो इस्तेमाल करने से पहले धोकर ज़रूर पीजिए। से छोटे और बड़े पत्थरों को अलग करूंगा, छोटे पत्थरों को नीचे और बड़ों को ऊपर लगाऊंगा। अब इन्हें संभाल कर अंदर डालते हैं। कुछ पत्थर इस हिस्से में भी गए हैं, तो अब इन्हें यहाँ लेकर आना होगा। इस हिस्से को निकाल कर पत्थर निकाले और अब बारी है बड़े पत्थर डालने की। यहाँ थोड़ी जगह बच गई है, आप ये बायोमीडिया रखने के लिए नेट बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फिल्टर के साथ दो तरफा स्पॉन्ज आया था जिसमें एक साइड वाला फिक्स है और दूसरी साइड को निकाल सकते हैं। इसके अंदर कुछ एक्टिवेटेड कार्बन स्टिक्स भी है। तो अब इस छोटे स्पॉन्ज को फोल्ड करके बायोमीडिया के ऊपर रखते हैं। अब इस फिल्टर को एक्वेरियम पर लगाकर चालू करते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिए कि फिल्टर ऑन करने से पहले उसमें थोड़ा या पूरा ऊपर तक पानी होना चाहिए। तो ये फिल्टर अच्छे से काम कर रहा है। ये पानी का बहाव कम या ज़्यादा करने के लिए है, मैं हमेशा इसे हाई पर ही रखता हूँ। तो इस तरह आप भी बायोमीडिया को अपने फिल्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका भी पानी साफ रहे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।